दिल्ली लुधियाना नेशनल हाईवे के लिए जींद जिला के 3 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहण का मुआवजा अब सरकार के लिए गले की फांस बनने लगा है। पिछले 21 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में अब खाप पंचायतें भी खुलकर आ गई हैं और इन पंचायतों ने सोनीपत लोकसभा से भाजपा सांसद रमेश कौशिक को भी आड़े हाथों लिया है। पिछले 21 दिनों से झांझ गाँव में धरने पर बैठे झांझ खुर्द, झांझ कला, कैरखेड़ी के किसानों ने सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि उनके 3 गांव की जमीन का मुआवजा मात्र 20 लाख प्रति एकड़ दिया गया है, जबकि उनके साथ लगते गांव में मुआवजा 90 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ दिया गया है, जो सरासर उनके साथ अन्याय है। इन किसानों ने मांग की है कि उनको भी 90 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। किसानों के इसी मुद्दे पर पिछले दिनों सांसद रमेश कौशिक ने बयान दिया था कि यह मुआवजा भाजपा सरकार ने नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार ने अवार्ड किया था। इस पर खाप पंचायतों ने कहा कि पिछले महीने ही जींद में अशरफगढ़ बिशनपुरा गाँव में किसान संघ द्वारा लगभग 2 महीने तक धरना दिए जाने के बाद खट्टर सरकार ने उन गाँव के किसानों का मुआवजा 90 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कर दिया था। वह मुआवजा भी हुड्डा सरकार के दौरान ही अवार्ड हुआ था, तो अब इन गाँव के किसानों के साथ ये अन्याय क्यों? उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सांसद उनका समर्थन नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ भी न जाए, अन्यथा आने वाले चुनाव में सांसद को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जीन से ऋषि मेहंदी रत्ता, आजाद टीवी न्यूज। इतना अन्याय किया है कि जो आगे गांव आता है खटकड़, उसके अंदर भी अवार्ड ज्यादा दिया गया है। जो पीछे हैं, चाहे वो इरका है, चाहे वो अमरेड़ी है, चाहे वो जींद है, चाहे वो अनूपगढ़ है, चाहे पिंडारा है, चाहे अशरफगढ़ है, सबके अंदर अवार्ड ज्यादा दिया गया है। यहाँ केवल मात्र 20 लाख रुपये अवार्ड के दिए गए हैं, जबकि हमारी ज़मीन को अगर कोई किसान भाई आपस में रजिस्ट्री करवाता है तो जो टर्म एंड कंडीशन जींद की ज़मीन की है वही यहाँ लागू है। अगर सांसद जी ये बात कहते हैं कि वे मुआवजा कांग्रेस सरकार में किया गया था, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो पिछले दिनों अशरफगढ़ का मुआवजा था वो भी तो कांग्रेस सरकार में घोषित किया था, उनको बढ़ाने का काम क्यों किया? उसके बाद और जो भी अनेकों एजिटेशन ऐसे हुए हैं, और अगर वो मान लो कांग्रेस की सरकार पे राज पर के तो जनता ने उनको बदलने का काम कांग्रेस ने अगर गलत नीति की थी तो उसका भी उन्होंने खामियाजा भुगता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कौशिक साहब से भी। कौशिक साहब, आपका पार्लियामेंट का हल्का है, आपने आकर के सुध लेनी चाहिए थी। इन लोगों ने आपको वोट दे करके पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठाने के लिए भेजा था, न कि हमारे खिलाफ बोलने के लिए। ये 70 पार्टी ऐसी है जिसके सांसद किसानों का समर्थन ना करते हुए जड़े पर नमक छिड़कते हैं, उससे हमें बहुत आहत हुए हैं। हमारे सांसद जी के अंदर निवेदन करते हैं, कृपया समर्थन ना करें तो हमारा विरोध ना करें, नहीं अन्यथा उन्होंने आगे आके कीमत चुकानी पड़ेगी।